हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अच्छे तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं और एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी सभी बच्चों के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं तो वेकेशन में आप ये बना सकते हो। ये पीनट बटर बार्स हैं जो अच्छी लगती है सब बच्चों को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। इसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ले लिया है क्योंकि सानवी खुशी को पसंद है डार्क चॉकलेट, और एक छोटा चंक मैंने शानू को दे दिया, वो मेरे पीछे ही खड़ी हुई है। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हो। और अभी इसे डबल बॉयलर मेथड से मैं मेल्ट कर लूँगी, आप इसे माइक्रोवेव में रख के भी मेल्ट कर सकते हो। कि ये पीनट बटर बार्स हैं तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पीनट बटर। मेरे पास दिसानो का पीनट बटर रखा हुआ था, क्रीमी वेरिएंट, तो ये मैं ले रही हूँ। और कोई परफेक्ट इसके कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी बताऊँगी वैसी अचीव हो जाए, बस उतना जितना भी लगेगा उतना आप सारे सामान ले सकते हो। कोई कोई पीनट बटर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा पतले होते हैं, कोई कोई थिक होते हैं, तो इसलिए मैं आपको मेजरमेंट नहीं दे रही हूँ। पीनट बटर ले लीजिए, इसमें आपको कितना पसंद आएगा उस हिसाब से थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दें, थोड़ा सा मेपल सिरप ऐड कर दें। मेपल सिरप वैसे ऑप्शनल है, पर इसकी जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हो, चाहे तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल ना करें। और इसके अंदर है ना, आपका जो पीनट बटर है वैसे वो स्वीट नहीं होता, बट कभी कभी बहुत सारे ब्रांड उसमें काफ़ी सारी चीनी मिला लेते हैं, तो आप टेस्ट कर लीजिएगा। आपको ज़रूरत लगे तो पाउडर शुगर मिला लीजिएगा, अगर ज़रूरत नहीं ही लग रही है तो अलग से चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक स्टिफ सा मिक्स बनाना है, रनी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे मेरी जो चॉकलेट है ये भी मेल्ट हो गई है। ये जो मैंने यूज़ किया है ना, ये अमूल की चॉकलेट है, तो इसको डायरेक्टली मेल्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हो तो उसको भी डायरेक्टली मेल्ट करके यूज़ कर सकते हो। इन केस यू आर यूजिंग क्वार्चर चॉकलेट तो उसे टेम्पर ज़रूर कर लेना। अब किसी भी लाइन किए हुए बर्तन में ये जो पीनट बटर का जो मिक्स आपने बनाया, आप देखें कैसे डो जैसा लग रहा है, ऐसा ही बनाइएगा और इसको फैला लीजिएगा। मुझसे एक मिस्टेक हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप वो मत करिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले पीनट बटर का जो मिक्स है ये स्प्रेड किया और इसके ऊपर तुरंत ही मैंने चॉकलेट डाल दी। आप इसको पहले फ्रिज में रख के सेट करना, बाद में चॉकलेट डालना, तो काटने में आसान रहेगा। ये जो पीनट बटर है ना, इसको स्वीट करने के लिए शुगर ऐड की गई है इसमें, और इसका जो एक टेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग सा पीनट बटर वाला, आपको वो अच्छा लगता है तो मेपल सिरप मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो पसंद नहीं आता, जैसे मेरे बच्चों को एकदम प्लेन प्लेन पीनट बटर का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो मैंने थोड़ा सा मेपल सिरप मिलाकर इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ऑल्टर किया है, तो ये ज़्यादा अभी और टेस्टी हो गया है एंड उतना पीनट बटर जैसा नहीं लगेगा। आपने बेकरी से जब भी इस तरह के प्रोडक्ट्स खाए होंगे तो उसके ऊपर है ना रॉक सॉल्ट पड़ा होता है, पर मेरे पास है नहीं, तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का जो अपना रेगुलर कॉमन सॉल्ट है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, बिल्कुल हल्का। आपके पास वो सॉल्ट फ्लेक्स हो, दे लुक गुड, बिल्कुल बेकरी वाला लुक आ जाएगा। तो ये वाला एक सेट लेकर आए हैं, ये मेरे लिए, ये देखो, ये मैक्स में मिल रहा था ना, मैक्स में मिल रहा था क्योंकि ही नोज मुझे न्यूट्रल्स, न्यूड्स, बेज पसंद है, तो एक मेरे लिए। शानू खुशी, तुम्हारा वाला दिखाना बेटा। और ये मैंने एक बड़ी अच्छी चीज मंगाई है, मुझे लगा आपको अच्छी लगेगी, तो मैंने मेरे लिए और हस्बैंड के लिए मंगाई है, आज दो पहले ये डिलीवर हो गया। और ये वाला जो सेट है पूरा लैवेंडर लाइलैक वाला शेड्स हैं, तो ये मंगाया है, मतलब ये लेकर आए हैं वो सानवी खुशी के लिए। एंड ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, दो दिन हुए शायद, तो आज ये डिलीवर हुआ है। मुझे लगा था कि ये रात को हम लोग बात करें, तो ये है कार्ड होल्डर। ये ऐसे ब्लैक कलर के मेटल के कार्ड होल्डर्स हैं एंड ये RFID प्रूफ है, मतलब वाईफाई एनेबल्ड कार्ड होते हैं ना,
वो प्रोटेक्टेड है इसके अंदर, सिक्योर्ड है, वो स्कैन नहीं हो सकते ऐसे। ये मैंने अमेज़न से लिया और मैंने जब ये देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, वाओ सी गुड है ना। दो मंगाया मैंने, मुझे पता था ये लाइक है, एक मेरे लिए एक हस्बैंड के लिए। कलर कितना अच्छा है, इसके अंदर 5 कार्ड आ सकते हैं, थोड़ा बहुत करेंसी भी रख सकते हो। इधर दिखाती हूँ आपको, इधर सुंदर दिखेगा, उस साइड ना अंधेरा आ रहा था, तो ये ऐसा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो स्पेशल फीचर है कि ये RFID अप्रूव्ड है, उसकी वजह से मैंने ये लिया है। एंड ये मेटल का है, सो स्लीक। और इसके ऊपर मैंने ना क्लिंग फिल्म लगा दी थी और इसको सेट होने के लिए रख दिया था रेफ्रिजरेटर में। इसको बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, चॉकलेट जल्दी ही फर्म हो जाती है, तो मैंने काफ़ी देर रख दिया था क्योंकि मैं काम में बिजी हो गई थी। आप इतनी देर इसको ना रखें। दूसरा जो पीनट बटर वाला नीचे वाला मिक्स है, उसको पहले रख के सेट कर लें अच्छी तरह, इसके बाद फिर चॉकलेट डालेंगे और थोड़ी ही देर में चॉकलेट सेट हो जाएगी, तो आपके बार जो है ना वो अच्छी तरह से निकल आएंगे, एकदम फर्म। मेरा क्या है, चॉकलेट ज़्यादा सेट हो गई थी और पीनट बटर वाला मिक्स उतना अच्छा सेट नहीं हुआ था। टेस्टी बहुत लगता है। यहाँ सानवी खुशी ऑलरेडी इसको टेस्ट करने लग गई है, उनके डैडी को दिया था मैंने, उनको भी पसंद आया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिल रही हूँ मैं, मेरा सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन रहता है अपने लिए वो सब मैं कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने कपड़े भी धुलने पे लगा दिए हैं और आज मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। सैंडविच मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे काफ़ी कम पसंद है। मतलब मैं घर में भी बनते हैं तो भी बहुत कम खाती हूँ और बाहर तो कभी भी नहीं खाती हूँ, पर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और सुबह में सैंडविच खाना अच्छा भी लगता है। तो आज मैं बहुत अच्छी सी सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना तो एक रही हूँ लेकिन आपको ना पैरेलली एक वेरिएंट भी बता दूँगी, तो सेम इंग्रेडिएंट से आप 2 रेसिपीज़ बना सकते हो। तो क्रस्टलेस ब्रेड ऑलरेडी मिलती है मार्केट में, मेरे पास यही वाली रखी थी तो मैंने यही ले ली है। और इसके बाद फिर आप, क्योंकि मुझे 4 बनाने थे तो इस तरह से 8 स्लाइसेस ले लें। एक स्लाइस के ऊपर लगाइएगा थोड़ा सा सॉफ्टन बटर और इसके बाद फिर यहाँ पर लगाएंगे चटनी। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आलू रखे थे उबालने के लिए और वो पता नहीं कैसे खुल गए, थोड़े से घुल सी गए, तो मुझे वो मैश करना पड़ा, वरना मैं उसके स्लाइस कट जाए इस हिसाब से सैंडविच बना रही थी। तो अभी मैं इस तरह से बना रही हूँ, मैंने जो फूट गए थे ना आलू उसका मिक्स बना के रख लिया है। हरी चटनी की रेसिपी क्विकली आपको दे रही हूँ। मैंने यहाँ हरी चटनी के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ लिया है, ये चटनी मीठी नहीं होगी। मैं इसमें टैमरिंड पल्प मिलाऊंगी तो उसके टार्ट को बैलेंस करने के लिए हल्का सा गुड़ लिया है। और तीखा करने के लिए अपने हिसाब से मिर्ची ले लीजिएगा, धनिया डाला है मैंने, तिल डाले हैं प्रेफरेबली रोस्टेड, काला नमक और सफ़ेद नमक, इमली का पानी और अब इसे पीस लीजिए। अगर आप इसमें गुड़ और इमली का पानी नहीं मिला रहे हो, आप आंवला या नींबू मिला रहे हैं, तो थोड़ा लहसुन भी आप मिला सकते हो। वैसे जो सैंडविचेस होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं बॉम्बे स्टाइल सैंडविच, उसमें लहसुन वाली ही चटनी होती है, तो मेरे पास ये रखी थी, मैं यही मिला रही हूँ। देन ये जो जो मेरे पोटैटोज़ टूट फूट गए थे उसमें मैंने थोड़े मसाले कर लिए हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके इसका इस तरह से एक स्प्रेड बना लिया है। तो दूसरे स्लाइस के ऊपर ये जो मिक्स है आलू का, ये स्प्रेड कर लूँगी मैं। इसमें मैंने बटर या ये सब केचप वगैरह मेयो वगैरह कुछ नहीं मिलाया, सीधे स्लाइस के ऊपर ही मैं आलू लगा रही हूँ, तो ये अच्छे से चिपक भी जाएगा। और अब इसके बाद आप चाहें तो इसमें चीज़ का स्लाइस रख सकते हो आपको पसंद आए, बट जो बॉम्बे सैंडविच रहता है उसमें भी चीज़ नहीं मिलाते, ऊपर से डालते हैं वो लोग बहुत सारा ग्रेट करके।
और बस सिंपली अभी आपको जो चटनी वाला स्लाइस है उसके ऊपर प्याज लाइन करने हैं, खीरा इसके ऊपर लगाना है, टमाटर के स्लाइसेस लगाने हैं, ये सब पतला पतला काट के रखिएगा। और अगर आलू आप स्लाइस कर रहे हैं तो स्लाइस लगाइएगा आलू का, एंड देन बीट रूट भी लगाते हैं इसमें। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, सब्जियों के हिसाब से नमक भी आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हो, बट मैं अलग से नमक नहीं डाल रही हूँ, हर चीज़ में ही नमक है, थोड़ा बटर भी है तो मैं एडिशनली नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, बट आप चाहें तो सब्जियों में जितना नमक रिक्वायर्ड है उतना स्प्रिंकल कर दें। एंड बस इसको लॉक करके अब चाहें तो सीधे इसके ऊपर ग्रेट करके चीज़ डालें, झीना सेव डालें, एंड ये रेडी है। और चाहें तो इसे ग्रिल कर लें, दोनों ही तरह से आप इसको तैयार कर सकते हो। तो मेरा जो सैंडविच मेकर है इसको मैंने प्री हीट कर लिया था, और जो आलू वाली साइड है वो ऊपर रखिए, और उसी स्लाइस पे थोड़ा मैंने बटर लगाया है। देन इसको सेक लेंगे फुल पे 250 डिग्री सेल्सियस पे, कुछ 5-6 मिनट मैंने इसको पकाया था। मीनवाइल मेरी चाय भी हो गई है रेडी। और मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा और ग्रिल करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा और मैं इसे पका लूँगी। और ये बहुत छोटा सा सैंडविच लग रहा है क्योंकि रेगुलर ब्रेड था मेरे पास, सैंडविच बनाने का प्लान होता तो मैं सैंडविच ब्रेड मंगाती, लेकिन ये टेस्टी बहुत अच्छा लग रहा था, आप ट्राई करना आपको अच्छा लगेगा। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी, और जो टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने पिछले व्लॉग में रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी उसके साथ। और इसके बाद ये सैंडविच मेकर क्लीन करके ही मैं हमेशा स्टोर करती हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम रेडिली अवेलेबल हो। और गंदा स्टोर करने से ना बेकार में स्मेल आती है और आपका इक्विपमेंट ख़राब होता है, इसकी ये जो प्लेट है ना ये निकल जाती है, तो इसे निकाल करके मैं साफ़ कर लूँगी। और हम लोग को जाना है बाहर, तो मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। और जो मेरे बाल हैं मैं इनको हमेशा ऐसे स्ट्रेट या स्टाइल नहीं करती, बट अभी जो सामने के बाल हैं ना इनको मैं थोड़ा सा वॉल्यूम देना चाह रही थी, और मैंने क्योंकि चोटी बना रखी थी और अभी मैं बाल खुले रखना चाह रही हूँ, तो बालों को हल्का हल्का सा ब्लो ड्राई स्टाइल में स्ट्रेट कर लूँगी। एक्चुअली आपके बाल गीले रहें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सूखे भी हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रे करके उन्हें डैम्प कर सकते हो और उसके बाद फिर यूज़ कर सकते हो। ये अगारो का हेयर वॉल्यूमाइज़र है, बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ स्टाइल नहीं करना था, बस थोड़ा सा देखने में अच्छे लगे हैं उतना ही मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको स्टाइल कर रही हूँ। ये है ना जो हेड पे सामने की तरफ जो बाल होते हैं जो यूजुअली हम बैंग स्टाइल में कटवा लेते हैं, उनको बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, तो बस इसीलिए मैं इस वक्त अपने बाल इससे स्टाइल कर रही हूँ। और वहाँ पहुँचकर शानू की फ्रेंड्स के साथ शानू यूनाइट हो गई, रीयूनाइट हो गई, और यहाँ पर इन लोगों को छोड़ दिया हमने। हाँ ये वाला प्लांट बहुत सुंदर था, ये इंडोर प्लांट है एंड बहुत अच्छा थ्राइव कर रहा है, मैं जब भी जाती हूँ मैं इसे देखती हूँ। आप में से किसी को भी इसका नाम पता हो तो मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि मैंने जितने भी इंडोर प्लांट रखे ना वो थोड़ी देर बाद अजीब से हो जाते हैं, बट मैं जब भी यहाँ पर जाती हूँ ना मैं इसको ज़रूर चेकआउट करती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा थ्राइव हो रहा है। तो प्लीज़ नाम बता देना मुझे, आप में से किसी को भी पता हो। आइस कॉफी, ये वाला तेरा है, ये क्या है? आइस कॉफी। और ये क्या है? मट पाई। मैं बोलते रही थी मट पाई, दिस इज अमेजिंग, मैंने पहली बार टेस्ट किया है, इट्स सो गुड। मेरा चाय ये क्या लिया? सबका सेम। अच्छा खुशी ने भी कुछ लिया है, तो पापा की ऐसी आवाजें निकल रही है तो इसे टॉर्चर कराटे वाले हैं। बाय द वे ये है वडोदरा का गेंडा सर्कल, पहले गेंडा हटा दिया था वापस रख दिया है। दिस इज अ वेरी फेमस स्पॉट।
सो जाएंगे आप ऐसे हाथ फिराती रहोगी अगर। और खुशी ने जो खरीदे थे बॉटम वेयर, क्या है ये, जीन्स है बेटा? यस। ये इसने पहन भी लिया है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो। एक ब्लू भी ले ले, ब्लू और फिर ब्लैक भी हो जाएगी तो ज्यादा चीजों पे चल जाएगा। चलो अच्छी लग रही हो सच्ची। हाँ और ये जो हस्बैंड ने पहन रखा है दिखा दो एक मिनट, ये इन्होंने अपने लिए खरीदा है। पूरे बटन क्यों लगा लिए? ऐसे ही घूमने वाला हूँ ना मैं वहाँ पे। एक्चुअली ये जा रहे हैं घूमने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो घूमने के हिसाब से उनकी शॉपिंग जो है शुरू हो चुकी है। तो इसको वैसे भी ऐसे खुला करके पहनते हैं दिस वे, ऐसे भी मुझे ये थोड़ा छोटा लग रहा है। ये ना यार मुझे भी, मैं टाइट लग रहा है। इसका टैग मत निकालना, यू कैन एक्सचेंज इट। ट्यूसडे को करना पड़ेगा। और मैं आपको ना फटाफट से बाकी कपड़े भी दिखा देती हूँ, मैं इनको अब कल धुलूंगी, आज तो टाइम नहीं है। मुझे अभी फटाफट से डिनर भी बनाना है क्योंकि। तो ये है एक टी शर्ट जो शानू ने खुद खरीदी है। एक्चुअली हम लोग गए ही इसलिए थे क्योंकि शानू की ना कुछ एक फ्रेंड्स पिछले साल स्कूल छोड़कर चली गई थी, तो अभी सबके एग्ज़ाम वगैरह हो गए हैं, सबकी छुट्टियां हो गई हैं, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो मिलते हैं। तो फिर ये लोग वहाँ पर मिल रहे थे एंड उसको ड्रॉप भी करना था, तो पहले तो मैं और खुशी ही जा रहे थे कि इतनी देर वो वहाँ रहेगी, 2 घंटे का इन लोगों का प्रोग्राम था, तो इतनी देर ये वहाँ रहेगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं थोड़ा सामान वगैरह खरीद लेना चाह रही थी, मुझे थोड़े समर के हिसाब से सूट लेने थे। फिर हस्बैंड की छुट्टी थी तो ही सेड कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो फिर हम लोग वहीं, मतलब हम तीनों वहीं पर थे और वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और जब उसने बोला कि मामा पापा मुझे ले लो, तो फिर उसको लेकर हम लोग सीधे फिर अभी घर आ गए। तो ये शानू ने लिया है टी शर्ट अपने लिए, इसकी जो 4-5 दोस्त थे आज जो मिले थे उन सब ने सेम टी शर्ट लिया अपने अपने साइज़ में, सो दैट नेक्स्ट मीटअप में ये सब एक जैसे कपड़े पहन के आ सकें। तो ये हो गया सानवी का। और मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे कुर्ते, मैंने एकदम सिंपल वाले कुर्ते लिए हैं और समर के हिसाब से लिए हैं, जिसका कपड़ा थोड़ा पतला हो, कॉटन वाला हो, सो दैट मैं उसे पहन के काम कर सकूँ। वहाँ पे बहुत फैंसी वगैरह भी थे, मेरा दिल भी आ रहा था उन पे अच्छे काम वाले, पर फिर वही है कि वो मुझे हैवी हैं तो मुझे पहनने नहीं हैं, इस तरह से घर के काम नहीं होते। यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जैसा मैंने पहन रखा है इट इज़ क्वाइट लाइट एंड सॉफ्ट और पहनने में अच्छा है, काम कर सकते हैं इसे पहन के। तो उसी तरह के मैंने ये बाकी ले लिए हैं, तो कुछ एक अलग अलग कलर मैंने लिए हैं। एक है ये येलो, और मैं थोड़ा आपको पीछे जाके दिखाती हूँ मेरे मतलब ये कितना लॉन्ग है मेरे पे। तो जो मैंने पहन रखा है इतनी ही लेंथ है इसकी, और इसका मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा। ये सब मोर लेस सेम है फैब्रिक में, सिर्फ सबके सब ना यहाँ पर क्या डिज़ाइन है और कलर क्या है इसमें डिफरेंट है, सबका साइज़ भी सेम है। और ये मैंने सब लिए हैं मैक्स से। दूसरा है ये, इसका नेक थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका ये डिज़ाइन है, मैंने एक्सेल में लिए हैं सब। वैसे मुझे एल आता है पर क्योंकि मुझे घर में पहनने के हिसाब से कुर्ते चाहिए तो मैं फ़िट नहीं चाहती थी, ये इसी तरह का थोड़ा सा लूज़ हो ऐसे मुझे चाहिए, तो मैंने ये सभी एक्सेल में लिए हैं। ये सब मुझे थोड़े से बड़े हैं बट वही कम्फर्ट फैक्टर में मैंने ये इतने लिए और अच्छे लगते हैं थोड़े से अगर लूज़ भी रहें तो। तो ये ब्लू वाला इसकी स्लीव्स पे ऐसा डिज़ाइन है, और येलो वाला का नेक थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसके सामने बटन है नहीं, ये पूरा राउंड है, और इसके स्लीव्स पे ऐसा छोटा छोटा सा ये डिज़ाइन है। एंड ये मैंने लिया है खुशी की चॉइस से, वैसे ये सारे कलर उसी ने मुझे सुझाए हैं। तो ये वाला है, इसके नेक पे ऐसा डिज़ाइन है, इसका नेक भी मतलब अभी तक जो तीन है तीनों का नेक डिफरेंट है, और इसके स्लीव्स पे ये छोटा छोटा सा डिज़ाइन है। और 4 हैं ये, तो 4 ही लिए मैंने शायद, मुझे लग रहा था 5। एक ये है ग्रे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, और इसका नेक भी थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी मिनिमल। सभी के स्लीव 3/4 हैं और सबकी जो लेंथ है मेरे पे सेम है। तो ये 4 कुर्ते मैंने अपने लिए लिए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप ये देखें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये कपड़े। तो ये तो थे वो सारे कपड़े जो मैंने खरीदे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों को अच्छा लगता है ये सब देखना तो इसलिए मैंने दिखा दिया। अभी मुझे बनाना है खाना, बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ रखी हुई, आलू मटर रखा है, मटर पनीर रखा है, एक और शायद कुछ है, तो मैं सिर्फ थोड़े से राइस करूँगी और वो सब चीज़ें मिला करके विद रायता एंड सैलेड हम लोग अभी डिनर हो जाएगा। और हाँ मैं आपको दिखाऊँ, हमारे यहाँ पे है ना अब आगे है होली, तो होली 2 दिन पूजती है, हमारे यहाँ पूजा होती है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, पर मम्मी ने बताया था मुझे पूजा
पूजा करने के लिए वो बोल रही है, मतलब हमारे यहाँ होती है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि एक रेड साड़ी निकालना, तो मेरे पास एक साड़ी रखी है, ये कैसी आप बताना मुझे। तो मैं ये निकालने वाली हूँ पूजा में, और कल मैं मॉर्निंग में ये कर लूँगी। और घर आते हुए मम्मी पापा से भी मिलते हुए आए थे हम लोग। घर आते ही मैंने फिर दियाबाती करी और चावल भी सोख करके रख दिए थे। जब भी जो मंदिर के जो वेसल रहते हैं ना, उपकरण, उनको जब धो रही थी मैं, तभी ये चावल भी सोख करने रख दिए थे। ये अच्छे खासे सोख हो गए क्योंकि मैंने दियाबाती भी करा, और उसके बाद फिर आपको मैंने कुर्तियाँ वगैरह भी दिखा दी। तो तुरंत इसे मैं पका लूँगी अभी। मेरा जो रेगुलर घी वाले चावल बनाती हूँ मैं, जीरा वाले, उस स्टाइल में ज़्यादा अच्छे सोख होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं ओपन जब आप बनाते हो। और ये हमारा आज का डिनर, ये सब लेफ्ट ओवर्स हैं, और मैंने थोड़ा थोड़ा राइस बना लिया है।